अगली खबर चतरा से मिल रही है, जहां पर छठ घाट में फायरिंग हुई है। कोयला कारोबारी को अपराधियों ने गोली मारी। कोयला कारोबारी मुकेश गिरी को गोली मारी गई है। पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र के छठ घाट की यह घटना है। गोली उनके गर्दन में मारी गई है। फिलहाल स्थिति नाजुक है, जिसे देखते हुए उन्हें हजारीबाग रेफर किया गया है। चतरा में छठ के दौरान अपराध छठ घाट पर ही गोली मारी गई है। कोयला कारोबारी को मुकेश गिरी नाम है, जिन्हें गोली मारी गई है और उनके गर्दन में गोली लगी है, जिससे उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिसके बाद उन्हें हजारीबाग रेफर किया गया है। छतरा के छठ घाट में फायरिंग हुई है। कोयला कारोबारी को अपराधियों ने गोली मार दी। मुकेश गिरी को गोली मारी है। पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र के छठ घाट की यह घटना है। गोली कारोबारी के गर्दन में लगी है, उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल स्थिति को देखते हुए हजारीबाग उसे रेफर किया गया है। छतरा से अपराध की खबर, जहां छठ घाट पर ही अपराधियों ने कोयला कारोबारी को निशाना बनाया और गोली मारी गई है। गोली गर्दन लगी है, जिससे हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। कोयला कारोबारी को छठ घाट में अपराधियों ने गोली मारी है। फिलहाल अब तफ्तीश की जा रही है कि किससे रंजिश थी और क्या मकसद था, क्यों इन्हें निशाना बनाया गया है। कोयला कारोबारी बताए जा रहे हैं तो पुलिस भी ये मानकर चल रही है कि आपसी रंजिश का ये मामला होगा या व्यवसायिक रंजिश का ये मामला होगा, जिसकी वजह से निशाना बनाया गया है छठ घाट का, कि भीड़ का फायदा उठाकर अपराधी गोली मारकर आसानी से फरार हो सके। फिलहाल गोली गर्दन में लगी है, जिससे उनकी स्थिति खतरे में बताई जा रही है। उन्हें फिलहाल हजारीबाग रेफर किया गया है इलाज के लिए। संजय जुड़े हुए अपडेट के साथ। संजय, कोयला कारोबारी को अपराधियों ने निशाना बनाया है, छठ घाट में ही फायरिंग की गई है, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, ये मामला है पत्थलगड्ढा थाना क्षेत्र का और ये तपसा गांव जो तपसा घाट है, छठ का त्योहार तपसा घाट में लोग अर्घ देने के लिए लोग निकले हुए थे, लेकिन किसी ने उन्हें गोली मार दी है। अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि ये अपराधी मारा गया है कि उग्रवादी, क्योंकि जो जिस तरह से अभी उग्रवादी जो है ये पलामू और लावा लोग जो हमारे जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ मैंने नक्सली का पूरा घर माना जा रहा है। अभी करीब 100 की संख्या में नक्सली पूरा दिन हथियार के साथ इधर विचलित कर रहे हैं और जिस तरह से कोयला व्यवसायी है उसे निशाना बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि अपराधी द्वारा इसे गोली मारा गया है या उग्रवादी के द्वारा इन्हें गोली मारा गया है। और पुलिस घटनास्थल पर जा करके अब जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से इनकी स्थिति बनी हुई थी वो काफी नाजुक स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि इन्हें गर्दन में गोली लगी थी और उसको वहां से रेफर किया था सिमरिया में। उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए अभी हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। उतनी भीड़ भाड़ में संजय, क्या शिनाख्त नहीं हो पाई अपराधियों की? देखिए, जिस तरह से अपराधी आए थे किसी को पता नहीं था कि अपराधी है क्या, वो सटा करके गोली मार दिया गया। गोली मारने के बाद जो भीड़ होता है वो पूरा अफरा तफरा वहां मच गया और जो अपराधी भागने में सफल हो गया। शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो भीड़ का फायदा उठाकर अपराधी भागने में सफल रहे। बिल्कुल नजदीक से गोली मारी गई है, जिससे उनके गर्दन में गोली लगी है। हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है।